छतरपुर के बिंदकी कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बड़े ही अनोखे तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। गिरोह के सदस्य पहले 1,000 रुपए के किराए पर मोटरसाइकिल लेते थे, उसके बाद उसी मोटरसाइकिल से लोगों के मोबाइल छीनकर भाग जाते थे। बिंदकी कोतवाली की पुलिस ने शातिर के पास से 6 लाख की कीमत के करीब 25 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को डिग नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा और 3 देसी बम भी बरामद हुए हैं। एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने बताया कि लोग कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली जिलों में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। फतेहपुर की बिजली पुलिस एवं सर्विलांस की टीम के द्वारा एक मोबाइल स्नेचर गैंग पकड़ा गया है। इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 25 अदद मोबाइल फोन एंड्रॉयड बरामद हुआ है और एक अपाची गाड़ी सफ़ेद रंग की बरामद हुई है, जिससे ये लोग स्नैचिंग करते थे। और ये अंतर जनपदीय गिरोह है और इसकी जो है जब कनेक्टिविटी जब करने का प्रयास किया गया तो 6 अदद मोबाइल जो है कनेक्ट हुए हैं, जो कानपुर नगर, उन्नाव और जहानाबाद, कोतवाली आदि स्थानों से जो है ये चोरी किए हुए पाए गए हैं। शेष की जो है कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है, कनेक्ट किया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनको ये प्रदान कर दिया जाएगा। 2 व्यक्ति इसमें फरार चल रहे हैं और उनकी भी इसी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।